नया नया आपने फोन लेना है तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा जिसमें आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, गेमिंग के लिए प्रोसेसर्स होगी, बड़ी बड़ी गेम भी आप इसमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ खेल पाओगे। तो आज की वीडियो में स्मार्टफोन बताऊंगा, वो भी IQ के, जो आप दोस्तों कोई भी फोन आप बाय कर लो इन 6 फोन के बीच में तो सबसे ज्यादा बेस्ट फोन आपको बताऊंगा। तो ये फोन में दोस्तों प्रोसेसर एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी आएगी अगर आप 1-2 हजार ज्यादा लगा पाओ। तो बात करते हैं दोस्तों हम IQ00 Neo 6 SE 5G स्मार्टफोन की। दोस्तों इसका नाम कितना बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी बड़ी सी डिस्प्ले की। तो 6.57 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी 120Hz की सुपर रिफ्रेश रेट के साथ। तो साथ में बात करते हैं इसके बैक के कैमरे की। यहाँ पर बैक की लुक में दोस्तों आपको एक मेन रियर कैमरा मिल जाता है, वो है 64 मेगापिक्सल का। तो इसका फ्रंट का कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का। तो दोनों कैमरे के रिलेटेड मैं आपको बताऊं कंपैरिजन के साथ, तो वीडियो आप बना सकते हो 4K में बीच में, 8K के बीच में। 8K का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम तक आप फोन को यूज कर पाओ तो 4500mAh की हमें बैटरी मिल जाती है। तो साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम गेम के रिलेटेड बात करते हैं कि गेम इस फोन में कैसी चलेगी। अगर हमने गेम के लिए ये फोन को बाय किया है तो गेम के बीच में हमें परफॉर्मेंस कैसी आने वाली है, तो कंपनी ने हमें इसके लिए सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर प्रोवाइड किया है स्नैपड्रैगन 870 का। तो ये दोस्तों स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर आपको 90 FPS तो आपको आराम से आएगी, वो भी BGMI के बीच में। और कोई गेम खेलना चाहते हो तो उसमें आपको आराम से स्मूथनेस के साथ आप गेम खेल पाओगे, कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे दोस्तों आप गेम बहुत ही ज्यादा मस्त खेल पाओगे। तो यहाँ पर ये 5G स्मार्टफोन के बीच में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया चीज आपको दोस्तों मिल रही है, एक तो है इसकी 120Hz की सुपर रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 870 का। तो बात करते हैं इस फोन के दोस्तों प्राइस की, तो 24,990 रुपीज का ये फोन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों हम नंबर 2 फोन की, जो दूसरे नंबर पे हमारा स्मार्टफोन आया। दोस्तों ये फोन दूसरे नंबर पे क्यों आया, क्या है इस फोन में? ये फोन का प्राइस भी कम है लेकिन इस फोन में फीचर भी बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम IQ00Z5X 5G स्मार्टफोन की। इसका नाम तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर आपको 6.58 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz की सुपर रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों साथ में मैं बात करता हूँ इस फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो ड्यूल रियर के कैमरास आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बैक के लुक में। तो 8 मेगापिक्सल का आपको ड्रॉप नोच के बीच में कैमरा देखने को मिल जाता है। तो 4K में वीडियो बना सकते हो। तो इस फोन में दोस्तों मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता, मेमोरी कार्ड इस फोन में आप डाल ही नहीं सकते। कंपनी ने हमें इसके लिए इस फोन में हमें दिया ही नहीं ये वाला फीचर। जो फोन मैं आपको पहले बताए उसमें आप यूज कर सकते हो, आप डाल सकते हो मेमोरी कार्ड। तो यहाँ पर आपको बात करता हूँ गेमिंग प्रोसेसर की। तो कंपनी ने हमें यहाँ पर गेमिंग प्रोसेसर डायमंड सिटी 900 ओक्टा कोर का दिया है। तो ये दोस्तों आपको सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ये फोन के बीच में। तो 6GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। हालांकि ये वाला फोन दोस्तों आएगा 8GB रैम एंड 256GB की वेरिएंट के बीच में। तो ये आपको कम से कम रैम वाला मैंने आपको बताया है। तो ये आपको दोस्तों 5000mAh की बैटरी के साथ मिल जाता है, ज्यादा टाइम तक फोन को यूज कर पाओगे। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, ये कितने प्राइस के बीच में ये फोन आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस है दोस्तों 17,990 रुपीज। 17,990 रुपीज में सबसे ज्यादा बेस्ट फोन इस फोन को कहूंगा, ये सेकंड नंबर के बीच में इसीलिए मैंने रखा। तो बात करते हैं दोस्तों हम नंबर 1 स्मार्टफोन की। ये फोन है दोस्तों IQ00 Neo 5 SE। दोस्तों ये एक 5G फोन है, तो 6.67 इंच की 144Hz की सुपर रिफ्रेश रेट के साथ आपको इसकी डिस्प्ले मिलेगी। तो बात करते हैं इसके बैक के कैमरास की। बैक की लुक में आपको 3 कैमरा मिलेगा, ट्रिपल कैमरा 50+8+2 मेगापिक्सल के आपको कैमरा मिल जाएंगे। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट का कैमरा देखने को मिलेगा। तो इस कैमरे से आप वीडियो बना सकते हो 8K के बीच में। 8K में वीडियो बनाओगे, क्या दोस्तों आपकी वीडियो बनेगी, इतने सुंदर आप दिखोगे जितना कि आपके घर वालों ने भी आपको सुंदर नहीं देखा होगा। तो बात करते हैं इसके दोस्तों प्रोसेसर की। तो गेमिंग के लिए हमें इस फोन को बाय करना है, तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर हमें तगड़ा चाहिए। स्नैपड्रैगन 870 का हमें तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर से आप गेम खेल सकते हो 120 FPS के बीच में BGMI। और कोई गेम खेलोगे तो आपको इतनी स्मूथनेस दोस्तों इस फोन में मिलेगी जो कि कभी आपने फील ही नहीं की होगी, वो भी फोन में। तो आपका दोस्तों बजट है कि आप कौन से दोस्तों लेना चाहोगे। तो अगर आप 8GB रैम वाला लोगे तो 25,990 का मिलेगा।
अगर आप 12 GB रैम वाला वो लोगे तो आपको 27,000 का पड़ जाएगा। 1,000 का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम तक फोन को यूज करना चाहते हो तो 4500 mAh की हमें बैटरी मिल जाती है 67 W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। तो ये फोन का दोस्तों जो प्राइस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 25,990 का ये वाला फोन देखने को मिलेगा। तो हालांकि ये वाले फोन दोस्तों जो मैंने आपको बताए, ये फोन 2022 के बीच में लेटेस्ट स्मार्टफोन, एक मंथ दोस्तों आपको ओनली बस वेट करना है। एक मंथ के बीच में जब आपने वेट कर लिया, आपके पास दोस्तों ये फोन की सेल दोस्तों जब स्टार्ट होगी, आपके लिए वीडियो में फिर से डालूंगा तो आपके लिए मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये फोन दोस्तों 2022 के बीच में नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। तो आपको दोस्तों मैंने इतने तगड़े तगड़े फोन बताए, ये फोन की वीडियो आपको यूट्यूब में किसी ने भी दोस्तों नहीं बताई होगी जो मैंने आपको दोस्तों एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, इस वीडियो को बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना यार। देखो ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो ना तो आपको मैं एक चीज कहूंगा कि आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि आपको कितने बजट के बीच में और फोन चाहिए। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। तो बाय बाय।